Hello students, in today's class we are going to discuss degree of freedom for plane mechanism. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं degree of freedom का definition क्या होता है. तो degree of freedom का definition होता है, it is the minimum number of independent variables required to define the position or motion of the system is known as degree of freedom of the system. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर फोर बार चेन मैकेनिज्म है उसमें किसी भी लिंक के पर्टिकुलर पोजीशन को या जो भी मोशन उसमें हो रहा है उसको हम लोग कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड अर्लियर कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द और रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम. तो चलिए एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं. मान लीजिए हमारे पास ये फोर बार चेन मैकेनिज्म है. दिस इज अ फोर बार चेन मैकेनिज्म. दिस इज लिंक वन एंड वन लिंक इज फिक्स्ड. जब किसी भी काइनेमेटिक चेन में एक लिंक फिक्स रहेगा तो वो मैकेनिज्म बनेगा. This is link 1, this is link 2, this is link 3 and this is link 4. तो यहां पे अगर degree of freedom की बात करें हम लोग तो यहां पे मान लीजिए link 4 हमारा theta degree angle से move करता है. तो यहां पे अगर हमें link 4 की position को बताना है या किसी और link 3, link 2 के position को बताना है तो केवल एक ही तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कितना angle हमारा लिंक फोर मूव किया है. उसकी सहायता से हम लोग इसके पोजीशन को बता सकते हैं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यही कहता है कि किसी भी लिंक के पोजीशन को या मोशन को हम कितने प्रकार से बता सकते हैं या इसके मोशन को हम कितने तरीके से रोक सकते हैं. तो अगर हम लोग इस लिंक को फिक्स कर देंगे तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा. अभी यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है क्योंकि एक प्रकार से ये इसमें लिंक में मूवमेंट हो सकता है. तो यहां पे अगर इस केस में हम लोग फोर बार चेन मैकेनिज्म में बात करें तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा वन हो जाएगा. यानी एक तरीके से हम लोग इसको मूव कर रहे हैं, एक एंगल पे हम लोग लिंक फोर को मूव कर रहे हैं और उससे हम लोग लिंक फोर की पोजीशन को पता कर ले रहे हैं, लिंक थ्री की पोजीशन को पता कर ले रहे हैं और लिंक टू के पोजीशन को पता कर ले रहे हैं. अब चलिए मैं फाइव बार चेन की बात करता हूं. ये हमारा फोर बार चेन था. दिस इज आवर फोर बार चेन. फोर बार चेन, आइए एक फाइव बार चेन देखते हैं. तो फाइव बार चेन में हम देखेंगे इस लिंक को हम लोग फिक्स कर देते हैं. हैच्ड का मतलब होता है फिक्स. नाम भी दे देते हैं, ए बी बोल देते हैं इस लिंक को. राइट, यहां पे This is link 1, this one is link 1, this is link 2, link 3, link 4 and this is link 5, A, B, C, D, E. मान लीजिए link 5 को हम लोग theta angle से move कराते हैं, theta 1 angle से इसको हम लोग move कराते हैं. उसके बाद अगर लिंक फाइव को हम लोग थीटा वन एंगल से मूव कराते हैं इसका मतलब जो लिंक टू है ये भी कुछ एंगल से यहाँ पे मूव होगा. मान लीजिए उस एंगल को हम लोग थीटा टू मान लेते हैं. इसका मतलब यहाँ पे इन पर्टिकुलर लिंक्स के पोजीशन को अगर हमको पता करना है फाइव बार चेन मैकेनिज्म में तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं, यानी थीटा वन और थीटा टू. इन दोनों की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं. यहाँ पे केवल एक एंगल था थीटा जिसकी हेल्प से हम लोग पता कर रहे थे, यहाँ पे दो एंगल्स थे, दो एंगल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग पता करेंगे, यानी थीटा वन और थीटा टू. यानी दोनों अलग अलग मूव होंगे क्योंकि यहाँ पे लिंक फोर और लिंक थ्री इनसे कनेक्टेड है. यानी यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो एक नहीं होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दो होगा क्योंकि यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट हैं जिसकी सहायता से हम लोग इस पर्टिकुलर फाइव बार चेन के मोशन को पता कर रहे हैं, पोजीशन को पता कर रहे हैं. यानी यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा दो हो जाएगा. दिस इज फाइव बार चेन. दिस इज फाइव बार चेन.
अब प्लेन मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो प्लेन मैकेनिज्म में जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस हो गया हमारा, एक वाई एक्सिस हो गया, दो, और एक एक पर्टिकुलर एंगल पे ये रोटेट कर सकता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे इसका कोई मोशन हो सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे प्लेन मैकेनिज्म में होगा वो 3 होगा, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। अब चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को और इलेबोरेट करते हैं। चलिए एक जनरल रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन ओ। मान लेते हैं इस ओ एक्स पे ये एक प्लेन है हमारा एक्स ओ वाई प्लेन। तो ओ एक्स पे मान लीजिए कोई लिंक है हमारा ए बी, मान लेते हैं एक लिंक ए बी है जो कि फिक्स है। मान लेते हैं इसी प्लेन में कोई एक लिंक है, मान लेते हैं ये लिंक सी डी है जो कि मूव कर रहा है, राइट। इस लिंक के ऊपर एक पॉइंट पी है, हमें इस पॉइंट पी के पोजीशन को बताना है, राइट। इस लिंक पे ये पॉइंट पी है, इसके पोजीशन को बताना है। तो इसके पोजीशन को बताने के लिए हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए वाई कितना है, और ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए एक्स कितना है, साथ ही एंगल कितना है सी डी का इस हॉरिजॉन्टल ए बी से। तो ये थीटा हमको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब 3 चीजें हमको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है पॉइंट पी, वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है और कितने एंगल पे है। दैट मीन्स इसको इसके लिए हमको 3 क्वांटिटीज बतानी पड़ेंगी इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है। इस पॉइंट अगर इस लिंक पे इस पॉइंट का अगर हम लोग या इस लिंक का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे क्या होगा, तो इस लिंक का डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वांटिटीज हमको कंट्रोल करनी पड़ेंगी या 3 क्वांटिटीज हमको पता करनी पड़ेंगी इसके पोजीशन को बताने के लिए। अब मान लेते हैं कि ये इसी फिक्स लिंक ए बी पे इसको मैं सी डी लिंक को एक पिन ज्वाइंट से कनेक्ट कर देता हूं, जोड़ देता हूं। इसको मैंने जोड़ दिया यहां पे, ये हमारा डी हो गया, राइट। अब पिन ज्वाइंट से जैसे ही हमने इसको जोड़ा इस फिक्स्ड लिंक से, तो अब इस पर्टिकुलर लिंक की पोजीशन को बताने के लिए केवल हमको एक क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी या एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी, जिस वेरिएबल को हम लोग थीटा बोलते हैं। यानी एक पिन ज्वाइंट के कारण यहां पे टर्निंग पेयर बन रहा है, ये देख सकते हैं, एक पिन ज्वाइंट के कारण यहां पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आउट हो गए। यानी अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, इसका अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 1 हो जाएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से खत्म हो गए। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट फिगर में देखा कि किसी भी फिक्स लिंक पे अगर कोई दूसरा लिंक हम लोग टर्निंग पेयर की सहायता से ज्वाइन कर देते हैं, तो वहां पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो चलिए सिंपल एक फिगर देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये लिंक 1 है और 4 बार चेन जैसा फिगर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये ज्वाइन नहीं है, ये लिंक जो है हमारा ज्वाइन नहीं है, दिस लिंक्स आर नॉट ज्वाइन टुगेदर। तब इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा वो हम देख रहे हैं, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2, दिस इज लिंक 3 एंड दिस इज लिंक 4। तो एक लिंक फिक्स है यहाँ पे। अब हम लोग देख रहे हैं कि लिंक 2 के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 तरीके हैं, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है और कितने एंगल पे है ये। तो उसी तरह से लिंक 2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, लिंक 3 का 3 होगा और लिंक 4 का भी 3 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ इस केस में अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे डी ओ एफ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे 9 होगा। जैसे ही एक लिंक को हम लोग टर्निंग पेयर की सहायता से जोड़ देंगे इस फिक्स लिंक में, वैसे ही
दो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही ज्वाइन होगा केवल इसे अब हम लोग एक एंगल से, एंगल ही जो होगा हमारा जो वेरिएबल होगा जिसकी सहायता से हम लोग इसके पोजिशन को बता सकते हैं। तो चलिए दूसरे फिगर में देख लेते हैं। मान लीजिए फोर्थ वाले लिंक को हम लोग जोड़ दे रहे हैं लिंक वन से, अभी भी दो लिंक हमारा जुड़ा हुआ नहीं है यहां पे, दिस इज लिंक वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज लिंक फोर। सो नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3, 3, 6 एंड 1, 7। सो हियर डी ओ एफ इज 7। अब यहां पे हम लोग लिंक नंबर टू को जोड़ देते हैं, देखेंगे फिर से दो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग एक पर्टिकुलर लिंक को किसी फिक्स लिंक में जोड़ते हैं, पहले अगर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो वहां पे दो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रॉय होता है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम बचता है। यहां इसको हमने ज्वाइन कर दिया, दिस इज लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका 1 हो गया, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे हमें कितना मिला, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे हमें 5 मिला। अब इस लिंक को भी हम लोग थर्ड को जोड़ देंगे हम लोग लिंक 4 में, तो फिर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 मिलेगा हम लोगों को। सो दिस इज लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। सो हियर वी कैन सी दैट यू विल हैव द डिग्री ऑफ फ्रीडम is equal to 3, right? 1, 2 and 3 degree of freedom we will get. और जब मैं 3 और 2 को ज्वाइन कर दूंगा तो फिर यहां से हमारा केवल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगा, क्योंकि किसी एक लिंक को ही हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करके अदर लिंक्स के पोजिशन को भी पता कर सकते हैं। So this is link 1, this is link 2, this is link 3 and this is link 4, right? तो यहां पे हम एक एंगल ले लेते हैं थीटा, जिसकी सहायता से यही थीटा हमारा वेरिएबल होगा, जिसकी सहायता से यहां पे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर सकते हैं। सो हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। नॉर्मली डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करने के लिए कुछ बैक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So that's all for today's class. Thank you.